हाय फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर समय तथा कार्य के टॉपिक को। तो समय तथा कार्य के टॉपिक में आप 6 ट्रिक तक जान चुके हैं। आज आपका 7वां ट्रिक है कि यदि देखिए 6 ट्रिक में क्या था कि उसमें आप अलग अलग व्यक्तियों के कामों को निकालते थे, कामों के समय को, लेकिन यहाँ जो है दोनों व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाता है कुछ दिनों पहले, तो ऐसे में काम कितने दिनों में पूरा होगा, इस प्रकार के ट्रिक को आप जानेंगे। तो देखिए आपको दिया है ट्रिक 7, किसी ए किसी काम को यक्स दिन में तथा बी उसी काम को वाई दिन में पूरा कर लेता है। अलग अलग ये यक्स और वाई दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर के काम करना शुरू करते हैं और जेड दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है, यानी समय ही निकालना है। तो समय बराबर यहाँ पे देखिए जेड दिन पहले ए जो है ये काम को छोड़ दे रहा है, तो ए के काम में हम क्या करेंगे, जितने दिन पहले ये छोड़ रहा है वो दिन जोड़ देंगे। ए के लिए यक्स दिन था, इसने जेड दिन छोड़ दिया, तो दोनों जुड़ेगा और बटे क्या होगा यक्स धन वाई इंटू, अब जो दूसरे का काम है वाई। ये आपका ट्रिक है, बहुत ही आसान। अब यहाँ देखिए इसको यदि हम आंकिक प्रश्नों में चेंज करते हैं तो आएगा कि ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। यदि 2 दिन पहले ए काम छोड़ दे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो समय का फार्मूला यही है, ट्रिक यही लगेगा और इसमें आपका हो जाएगा यक्स प्लस जेड 8 धन 2, जेड का मान, बटे यक्स धन वाई यानी 8 धन 10 और गुड़े वाई मीन्स 10। तो यहाँ से 8 2 10 बटे 18 गुड़े 10, अब यह 10 गुड़े 10 कितना हो गया, 100 बटे 18, इसको आप 2 से काट सकते हैं तो आएगा 50 बटे 9, यानी 50 बटे 9 को आप डिवाइड करेंगे, 9 से आप 50 को भाग करेंगे तो आएगा आपका 9 5 45 और बचा कितना 5 बटे 9। 5 बटे 9 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, 5 बटे 9 दिनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो आपका ट्रिक यही था कि ए किसी काम को यक्स दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को वाई दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर के काम को शुरू करते हैं और ए यह जेड दिन काम खत्म होने के जेड दिन पहले ही छोड़ देता है। ठीक, पीछे क्या था कि ए या बी जो काम करते थे कितने दिन करते थे वो आपको दिया गया था। ठीक, ए जो है यक्स दिन काम करके छोड़ता है, वाई दिन काम करके छोड़ता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है कि पीछे से दिया है, पीछे से कितने दिन वो छोड़ रहा है। ठीक, तो यह जो दिन छोड़ दे रहा है, फिलहाल हम इसको उस ट्रिक से भी लगा सकते हैं 8 - 2 करके, तो 6 दिन ये काम कर रहा है तो उस ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आपका ये ट्रिक है यक्स प्लस जेड अपान यक्स प्लस वाई इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे यदि हम आंकिक मान को फिर से चेंज करें, आंकिक मान को यदि हम यह कहें कि ए जो है किसी काम को 14 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, और ए जो है यह 2 दिन पूर्व चला जाता है, 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, फिर आपका यही ट्रिक लगेगा। तो आपका है यक्स का मान 14 धन जेड का मान 2 बटे यक्स का मान 14 धन वाई का मान 16 गुड़े 16। तो ये आपका हो गया 14 2 16 बटे 14 धन 16 गुड़े 16। ठीक, और बराबर हो गया 16 गुड़े 16 बटे 14 धन 16 कितना हो जाएगा 30। ठीक, अब यहीं पे डिवाइड कर लीजिए, ये आपका 2 से कट जाएगा तो 15 आएगा, 2 से कटेगा 8 आएगा। अब 16 गुड़े 8 128 बटे 15 और 8 2 10 1 11 15 से भाग कर लीजिए इसको, 15 7 105 15 8 120 और 8 यानी 8 8 बटे 15 दिन, 8 8 बटे 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये देखिए ये ट्रिक आपका सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस को हल करने में मदद कर रहा है। तो आप इसमें यह देखेंगे कि यक्स वाई और जेड
क्या है, केवल इसी पे ध्यान देना है। यक्ष क्या है, ए का पूरा दिन है, जितने दिनों में वो कार्य कर लेगा पूरे पूरे कार्य को। वाई जो है ये पूरा दिन है बी का, कि कितने दिन में वह पूरे कार्य को कर लेगा। तो आइए इस पर हम एक क्वेश्चन और हल करते हैं। मान लीजिए ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, और यदि ए जो है यह 10 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 × 10 / 20 × 30 × 30 20 × 10 = 30 × 20 = 30 50 × 30। तो यहाँ से आपका आ गया 900/50, 10 से 10 कटेगा, 90/5 भाग कर लीजिए, 5 × 5 और बचा कितना 4, तो 5 × 8 = 40 यानी 18 दिन, 18 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसी के व्युत्क्रम में यदि हम कहें कि ए के स्थान पर अगर बी, ए के स्थान पर यानी अब ये आंकिक प्रश्न इसके हो गए। अब देखिए अब इसी का जस्ट अपोजिट एक है कि ए किसी काम को यक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, और जेड दिन पहले बी काम को छोड़ दे। अब तक ए काम को छोड़ रहा था, लेकिन अब कौन सा छोड़ रहा है, अब बी काम को छोड़ रहा है, तो संपूर्ण प्रक्रिया बी पर होगी। अभी तक ए पर हो रहा था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वाई, और जो गुणा हो रहा है वाई का वो गुणा होगा किसका, यक्स का। बस इतना ही अंतर है, जेड दिन पहले बी काम छोड़ रहा है, तो जो प्रक्रियाएं ए पर हो रही थी ए के काम के दिनों पर, वही प्रक्रियाएं बी के काम के दिनों पर होंगी। यानी बी में यह कितने दिन छोड़ रहा है जुड़ेगा, और यक्स प्लस वाई से दोनों के दिनों की संख्या की योगफल से भाग दे दिया जाएगा। तो अब आइए इस पर हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, और बी जो है 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो समय कितना लगेगा। ये आपका हो जाएगा 15 × 8 / 2 / 15 / 8 कर लीजिए इसको, 15 × 10 / 23 ये हो गया 150/23। अब 150 को हमको 23 से भाग देना है, तो या इतना दिन ही लिख सकते हैं आप, या इसको हम सही बटे में लिख सकते हैं भाग करके, ठीक। इसके पश्चात इस पर एक क्वेश्चन और देखिए कि ए जो है किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, और बी जो है 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा 40 × 30 / 10 / 40 / 30 और यहाँ से आपको मिलेगा 40 × 30 = 40 / 40 = 70। तो ये आपका हो गया 4 × 4 = 1600 / 70। तो 10 से 10 कटेगा, 160/70, या इसको हम भाग कर सकते हैं, तो आएगा 7 × 2 = 14 / 2 = 16 फिर 7 × 2 = 14 = 26 तो 22 सहित 6/7 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। 22 सहित 6/7 दिन, लगभग 23 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सभी ट्रिक्स बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं, और इन ट्रिकों पर आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की ट्रिक आपको परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।